जी सिख दफा बलात बारे सामने हाजिर हैं, जिम्मे तो असं आख्या कि अगर तुम लाइव कॉल करना चाहते हो तो नंबर ही मेरे सारी स्क्रीन के उत्ते आने शुरू थी वैसे, तो लाइव कॉल कर सकते हो। अपने कोई कमेंट वगैरह या क्वेश्चन कोई इशाक खकवानी साहब तो तुम्हारा कोई होवे इशू तो जरा ईमेल अंडर डिस्कशन है तो यू आर मोर दैन वेलकम। खान साहब तुम आखिर डॉक्टर बाबर वान साहब इंटेलीजेंट आदमी है लेकिन इंटेलीजेंस का मुजाहरा इंसाफ कानून वास्ते नहीं पकड़ रहे, लेकिन अगर उन्होंने तो अपनी पार्टी दे और अपने उन्दे हिसाब विच उन्होंने कोई रीजन थी सकते ना वैलिड मुल्क दे वास्ते इंटेलीजेंस इस्तेमाल होनी चाहिए जेडी के नहीं मुल्क तो मुराद मुल्क दे वास्ते है कि भाई अगर एक इदारे को आदे पहन उ ए आखना कि मेरे मैं लेट वैसा मेरे उ तो मेरी कब्र दे उ तो लंग सी एक गल करन दी नहीं गल है कि जेरे पॉलिटिशियन एक गल करन दी जेरे पॉलिटिशियंस होने ई वास्ते कि तुम्हारे दोस्त तो तुम ये गल कोई मान वेसो ओ तुसा मेरे दोस्त हो तुम्हारे में रियायत करेंदा होना वैसे जनाब मेरे वास्ते क्या हुक्म जनाब ने कोई हुक्म दिते खुद आते बैठे हुए खाकवान साहब तुसा थोड़ी डबल टॉक पे करें मैं ना करे एक पास तुसा खुद आते बैठे हुए इंप्रेशन ये वेंदा पे एक बंदे को टारगेट करके देने उहदे पिछू सारे लग गए असा मीडिया भी लग गए हैं अदालत भी लग गए पॉलिटिशियन भी लग गए नहीं वाला कॉलर सारे नाल इधर उन्होंने नाल हां हां गाल कर जी जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी जी से कौन बोलने पे हो सही मैं जुबैर बंदे पे मुल्तान तो जी जी जुबैर साहब बड़ी मेहरबानी क्या कोई कमेंट को सवाल करना चाहो तो खान साहब तो मैं पूछता पे जी ये जेरे खान साहब ने पेन बड़ी सही गाल की थी ने अगर ए इशू रिजॉल्व ना किया जस्टिस साला जी जी उन दरा उधर किसी पूरा सिस्टम कोलैप्स करवे सही जिम्मेदारी चले अदालत मीडिया की भी है पब्लिक की रिस्पांसिबिलिटी है कि इस सिस्टम को चलना चाहिए क्योंकि फरिश्ते तो कौन ही सारे वो तो तुम्हारे मेरा माजी भी कोई साफ कौन नहीं हो अदालत का भी माजी साफ कौन नहीं हो पॉलिटिशियन का भी साफ कौन नहीं लेकिन बद किस्मती नाल वो एक बंदे फंसे गए पकड़े गए नहीं उन्होंने अगर जो अहकाम कबूल कर गए तो क्या इन्हें क्या हर्ज है मसलन अगर उन्होंने आख लिता है कि जेड़ा कोई 3 नवंबर को जी पोजीशन है हुंदे उते वापस चले वो तो इन अगर वो कर रहे हैं तो क्या फर्क स्विस अथॉरिटी यार गल सुनो उस वाल जो चला वे ना तो स्विस अथॉरिटी ने को लिख के भेजे इन्हों की जी हुक्म अदूली का तो ना कम बनती ना जो कुछ अपना सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिता है ये तो बजा लिया है ना गेम एक वही खड़ी है हाँ वो हाँ वो तो समझ आप लोगों को समझाओ ना तो गेम है कि आखिर ना शेक्सपियर ने आखिर देर मैथड टू मैडनेस ये मसला महा स्विस केसेस का नहीं है इन्हें पिछू गेम थोड़ी जी लंबी है भाई मैं कुछ तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम सारा रैप अप थी दिसदा पाए ये जरा डॉक्टर बाबर वान साहब को सदना ये तो बाद मेरी गल लिख के रखी उन्होंने बोला तुम्हारे बहाल नहीं करें बहाल करे सारे खिलाफ गन्ना तोपन का रुख कर गिनसन गल तो वही है क्योंकि सदर साहब मुल्क दे चार असेंबलियां ने मुंतखब कीते 17 करोड़ अवाम दा सिलेक्टेड नुमाइंदा है बिला वजह है कि शुक्र गाल चाहती हुई है बह गाल सारे खत्म थी कहीं एक गाल